क्या योगेश जी चालू करें? आ रही बोले योगेश जी एक नहीं आ रही है, योगेश नहीं जी आवाज आ रही है? इसमें आ रही भाई, इसमें नहीं आ रही अपना। हेलो, हाँ हाँ अशोक जी आप शुरू कर सकते हैं। ये लाइट बंद कर दो। योगेश जी सब आ गए? हाँ सब आ गए, सब आ गए। सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सत्य अहिंसा धर्म हमारा नवकार हमारी शान है, महावीर जैसा नायक पाया जैन हमारी पहचान है। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन, संसार में विराजित सभी चरित्रात्माओं के चरणों में वंदन। आप इस मीटिंग में पधारे हुए विनीत जी गीमावत, योगेश जी, भरत जी कोठारी, ललित जी परमर, प्रदीप जी दल्लावत और हमारे तरफ से जो महावीर जयंती के प्रधान संयोजक सील बाबू खीवसर्रा, प्रधान संयोजक अशोक जी मुत्था, प्रधान संयोजक प्रदीप जी सुराना, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम के जो संयोजक है पारस जी डोसी, राजेश जी गुगलिया और हमारे पदाधिकारी में महामंत्री जो यंग है एकदम जो डायनेमिक मंत्री है हमारे अमित जी मुनोत, ट्रेजरर अशोक जी संचेती, सह मंत्री महावीर जी मुनोत और भी जो लोग जुड़े हुए हैं सभी का इस वर्चुअल मीटिंग के अंदर में हार्दिक स्वागत है। आज इस मीटिंग का औचित्य यह है कि हम लोगों ने पंच दिवसीय जो महावीर जन कल्याणक महोत्सव 2620 मनाया, ये 5 दिवस का तप करो कर्म की निर्जरा करो हमारा स्लोगन था। और इस कार्यक्रम के अंदर हैदराबाद में शानदार महावीर जयंती का आयोजन हुआ जिसमें सभी तरह का कार्यक्रम रखा गया। पहले दिन जाप का कार्यक्रम, मैं समझता हूँ लगभग 125 करोड़ जाप जो हम लोगों ने टारगेट रखा ये निश्चित रूप से हुआ है, क्योंकि एक एक घर में 5-5 घंटा का जाप चला है। हैदराबाद में लगभग 12 से 15 हजार जैन फैमिली है, चारों समुदाय के लोग रहते हैं। दिगंबर सितंबर 22 मंदिर मार्गी 13 पंथी सभी तरह के लोग रहते हैं, जिसका एकमात्र संस्था है जैन सेवा संघ जो यहाँ की सर्वोच्च संस्था है। विनीत जी आप सुन रहे हैं ना मोबाइल में? तो ये जो संस्था है, इस संस्था का काम है सेवा त्याग संगठन, तीनों से ये सेवा संगठन ये संस्था चलती है। इस संस्था के अंतर्गत महावीर जयंती का सामूहिक कार्यक्रम एक मंच पे हैदराबाद में मनाया जाता है और सामूहिक क्षमा याचना भी एक ही मंच पे मनाया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्यक्रम जैन सेवा संघ करती है। आपको ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि कल का एक कार्यक्रम जो लास्ट और समापन कार्यक्रम महावीर जयंती का था, जो हमारे प्रधान संयोजक पदाधिकारी और सांस्कृतिक कार्य जो समिति है सबने मिलके ये डिसीजन लिया था, कार्यकारिणी के साथ भी पता लेके बैठ के सब डिसीजन लिया कि एक भक्ति का कार्यक्रम बहुत जोरदार होना चाहिए, लेकिन इसमें विशेष योगदान हमारे महामंत्री अमित भाई मुनोत का रहा। और आपका कार्यक्रम जब मैंने लगभग 3 महीना पहले चैतन्य 3 महीना पहले चैतन्यपुरी मंदिर में अमित जी मुनोत का कार्य तो आपको आमंत्रण देके जो बुलाया गया था, उस कार्यक्रम में आपको देख के मैं चारों तरफ से फैन हो गया कि ये कलाकार, इनको तो एक बड़े मंच पे, उसी दिन मैंने आपको कमिटमेंट किया था कि जैन सेवा संघ की महावीर जयंती, इस महावीर जयंती पे हम बड़ी भक्ति के रूप करवाने के लिए आपको जरूर हैदराबाद बुलाएंगे। और हम लोगों ने एग्जीबिशन ग्राउंड बुक भी किया था, क्योंकि आपके अंदर में वो कला है जो कला देखने लायक है, यंग स्टार है आप और बहुत शानदार कला है आपके अंदर, आपको तो बड़े बड़े मंच पे आना ही चाहिए। आपके साथ में भरत भाई कोठारी, प्रदीप जी बल्लावत, ललित जी परामर जैसे 3 महान व्यक्ति, साथ में आपके बड़े कलाकार योगेश जी,
जो कल उन्होंने कार्य किया, योगेश जी ने जो मिक्सिंग की, देखने लायक थी, काबिले तारीफ थी। इतने वीडियो आए होंगे आपको और उसको समाहित करना कितना कठिन काम है, लेकिन भगवान महावीर की विशेष कृपा रही कि आप लोगों ने उसको इतना बढ़िया तरीके से मैनेज किया और इतनी बढ़िया तरीके से भक्ति का कार्यक्रम किया। आपने महावीर जन्म कल्याण सुनाया, उसके बाद में आपने इतने सारे गीत गाए जो गीत बहुत शानदार थे, और योगेश जी का मिक्सर में बीच में एक बार योगेश जी को फोन करना पड़ा मेरे को कि हमारे प्रधान संयोजक के नाम कैसे छूट गए। मेरे को समझ में नहीं आया कि नाम हम लोगों ने दिए या किधर मिस हो गए। फिर भी विदिन 2-3 मिनट्स अमित जी ने भी आपको पहले कहा था, और आप गाने में व्यस्त थे तो शायद हो सकता है कि भक्ति के टाइम में आपने उसको ध्यान नहीं दिया, लेकिन योगेश जी ने मेरे कहने के 2-3 मिनट बाद ही वो तीनों नाम को उस स्क्रीन पे स्क्रॉलिंग चालू कर दिया। क्योंकि कार्यकर्ता जो काम करते हैं, जो टीम है, सांस्कृतिक टीम या हमारे प्रधान संयोजक या हमारे पदाधिकारी, सब अपने आप में एक निराली टीम है। अध्यक्ष और महामंत्री अकेले कुछ काम नहीं कर सकते, पूरी टीम रहे तो ही काम होता। हमारे पास में विनीत जी, मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि जैन सेवा संघ हैदराबाद की जो टीम है आज की, जो वर्ल्ड क्लास 2020 की टीम क्रिकेट की रहती है ना, वैसी टीम है। हम लोगों ने 2.5 महीने के अंदर इतने सारे कार्यक्रम जैन सेवा संघ के तत्वाधान में इस कोरोना काल में किए हैं। इस कोरोना काल में हमारे जो प्रधान संयोजक थे, जो पंच दिवसीय महावीर जयंती का कार्यक्रम किया, ये उनकी सोच थी कि सब पदाधिकारी के साथ मिलके इस तरह का कार्यक्रम हम लोग एक समाज में नहीं पहचान, पहली बार आध्यात्मिक पंच दिवसीय महावीर जयंती हैदराबाद जैन सेवा संघ ने मनाई। इसमें जो भी है, जैसे पारस जोशी है, जैसे राजेश जी गुगलिया है, हमारे पदाधिकारी में अगर पकड़ते हैं तो अशोक जी संचेती भी है, महावीर जी मुनोत है, उसके अलावा जो अभी जुड़े नहीं है वो दो पदाधिकारी हैं, शिवराज जी सोनी है वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद अशोक जी कटारिया हैं, और हमारे सहमंत्री जसराज जी बापना है। सबका अपना अपना समिति है। हमारे पास में कई समितियां का निर्माण हुआ हुआ है, सांस्कृतिक समिति, स्वास्थ्य समिति, सदस्यता अभियान समिति, ये सारी बातें आपको मेरे बाद अमित जी मुनोत जो है वो पूरी रिपोर्ट देंगे। मैं आपको इस जूम मीटिंग के अंदर मैं विनीत जी गिमावत और उनके भाई सुमित जी गिमावत और उनके जो भी ट्रुप मेंबर थे, जो वाद्य यंत्र बजा रहे थे, उनका प्लस ललित जी का परमार का ये मंच के संचालन में आप मास्टर हैं, प्रदीप जी बलावत, उसके बाद भरत जी कोठारी जो लेखक हैं और बढ़िया चीज लिखते हैं मेरे को मालूम है पहले से, और आपके साथ में योगेश जी तो है ही है। विनीत जी कुछ कहना चाहेंगे? वो प्रदीप जी ढालावत है जो बहुत अच्छा लिखते हैं, जो एकता के गीत गा लिखे हैं, ना उस वाल मुझे कहना ना पूर्व वाल मुझे कहना, वो गीत उन्होंने लिखे हैं जी। और समाज रत्न है वो जुड़े हुए हैं, और ललित जी परामार तो मंच के सारथी है ना, मंच संचालक तो इन सभी का, आप सभी का हमारे जैन सेवा संघ हैदराबाद की तरफ से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हुआ इस मीटिंग को एक तरह से ऑफिशियली चालू करता हूं। इसके बाद आप योगेश जी से ये कहना चाहूंगा कि आपकी तरफ से कौन बोलेगा उससे बुलवाइए। हमारे दो संयोजक प्रधान संयोजक हैं शील बाबू खीमसरा, अशोक जी मुत्था, वो लोग भी बोलेंगे, और हमारे महामंत्री अमित जी मुनोत पूरी रिपोर्ट रखेंगे। शायद हो सकता है सांस्कृतिक कमेटी के पारस जी डोसी भी अपनी भावना कुछ व्यक्त करेंगे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने हिसाब से मंच का संचालन योगेश जी कर लीजिए। ओमरम जय महावीर। जी जैन सेवा संघ हैदराबाद के सभी पदाधिकारी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। ये जूम मीटिंग में हम सब जुड़े हुए हैं और हमको फेसबुक पर सभी लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, और सभी का स्वागत है जो भी फेसबुक के माध्यम से हमसे जुड़े हैं। मैं थोड़ा बॉम्बे से रिमोट एरिया में हूं तो शायद नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, कदाच अगर बीच बीच में जाऊं आऊं तो थोड़ा आप संभाल लीजिएगा। और जितने भी फेसबुक पे जितने लोग देख रहे हैं और हमारे जितने भी जैन सेवा संघ के जितने भी पदाधिकारी हैं, आप भी फेसबुक पे इस को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स कॉन्टेक्ट लिस्ट है वो भी इस फेसबुक लाइव से वो जुड़ जाए। और एक चीज तो मैं भी कहना चाहूंगा, हमारे अध्यक्ष जी ने, अशोक जी बनमेचा ने बहुत सुंदर
सबका यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया है और उन्होंने एक ऑफिशियली इस मीटिंग की शुरुआत उन्होंने की है। अध्यक्ष जी को बहुत बहुत प्रणाम। और जिस तरह से जैन सेवा संघ एक, क्योंकि ये दूसरी बार मुझे जुड़ने का मौका मिला है, पहली बार मैं अमित भाई के उस गुरु भक्ति के प्रसंग में आया था, तब पहली बार अशोक जी से भी मिलना हुआ था, माध्यम अमित भाई थे, और उस समय ही मैंने देखा कि ये एक यंग टीम का एक सुंदर समावेश है ये जैन सेवा संघ। और जो जिस तरह से आप लोग कार्य करते हैं, हमको भी आपके इस बैनर तले कार्य करने का इतना आनंद आया। और कितने लोग कल की भक्ति में जुड़े होंगे और कितने लोगों ने इस क्वारंटाइन के समय में इस महावीर जन्म कल्याण को, सबको ऐसा लगा जैसे कि हम कोई लाइव प्रसंग देख रहे हैं, इस तरह का ये किया। और ये तभी मुमकिन हुआ जब जैन सेवा संघ हैदराबाद ने जब हमको कहा और हम इस प्रकार भक्ति से इतने लोगों को जुड़ पाए। पर अशोक जी, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। कदाचित हम हैदराबाद में करते तो हैदराबाद में 5,000-10,000 लोग जुड़ जाते, लेकिन कल की भक्ति तो पूरे भारत भर में लोग जुड़े हैं, पूरे भारत भर से लोग जुड़े हैं। करीबन फेसबुक में 20,000 जितने लोगों ने देखी है और यूट्यूब में करीबन अभी मैंने देखा तो 19,000 जितने लोगों ने यूट्यूब पर देखी है। गुड। कल जो लोगों ने उत्साह बताया इस वीडियो के लिए, मैंने छोटी सी गुजारिश की, मैं कहा अगर आप अपने टीवी के सामने हो तो आप अपने छोटे से वीडियोस आप भेजिएगा तो हम उसको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत से, हम भी पराधीन हैं इन सब टेक्निकल चीजों के लिए। और वो टेक्निकल चीज हमारे योगेश भाई ने बहुत सुंदर तरीके से संभाला कि इतने सारे वीडियोस करीबन नहीं करके हमने 50 से 60 वीडियोस इस प्रोग्राम के दरमियान हमने बताए होंगे। हाँ, और अभी अशोक जी हम निवेदन करेंगे किनको नेक्स्ट आप में से बोलने के लिए। सील बाबू खिमसरा। सील बाबू जी। हाँ सर जी, शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि शिवंदन। आज इस जूम मीटिंग में उपस्थित जैन सेवा संघ के अध्यक्ष श्रीमान अशोक जी साहब बरमेचा, मंत्री अमित जी साहब मणोद, मेरे साथी प्रधान संयोजक अशोक जी साहब मोथा और जैन सेवा संघ के पदाधिकारी एवं सांस्कृतिक समिति के सदस्य जो आज इस जूम मीटिंग में जुड़े हैं वे, तथा विनीत जी गेमावत के साथ जो लोग जुड़े हैं, उन सभी को मेरा आदर जय जिनेन्द्र। बहुत प्रसन्नता की बात है कि कल का जो कार्यक्रम हुआ, विनीत जी और सुमित जी ने जो भक्ति गीत प्रस्तुत किए वह बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने इसका आयोजन किया था। विशेषकर मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो जैन रत्न सुरेंद्र बाबू साहब लुनिया है, उन्होंने भी इसकी बहुत बहुत प्रशंसा की। उन्होंने खुद कहा कि नहीं, वैसे तो जनरली बहुत कम देखते हैं प्रोग्राम, मगर उन्होंने कहा कि नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा कल का प्रोग्राम। और वो पूरे 3 घंटे आपका, विनीत जी आपका प्रोग्राम देखे हैं साथ में अपने जोड़े के साथ, तो दोनों ने भी कहा भी बहुत प्रशंसा की पूरी भक्ति की। और विनीत जी मैं बताना चाहूंगा कि ये जो प्रोग्राम है, अमित भाई मनोज जो हमारे महामंत्री है, उनकी बहुत प्रबल इच्छा थी कि आपका एक कार्यक्रम हैदराबाद में बहुत बड़े स्केल पर, यहाँ पर एग्जीबिशन ग्राउंड में जो हम भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाते हैं, उस जगह पर पूरे त्रिनगर के साथ में मिलकर एक बहुत ही भव्य रूप से करने की हमारी पूरी कोशिश थी, लेकिन आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से सब कुछ धरा रह गया। फिर भी हमने सोचा कि अब वो नहीं हो सका तो चलो इस तरह से एक लाइव भक्ति का प्रोग्राम हम रखते हैं। सभी ने हमने डिस्कस किया और अमित जी का भी बहुत बहुत सहयोग रहा इस कार्यक्रम को करवाने में, तो मैं उनकी भी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आपसे संपर्क करके कल का जो जूम भक्ति का कार्यक्रम किया, बहुत ही शानदार तरीके से आयोजन हुआ। और मैं समझता हूँ जितने भी लोग जुड़े हैं सभी ने इस भक्ति की बहुत बहुत प्रशंसा की। और यहाँ पर मतलब इस तरह से कई आयोजन होता, आजकल तो आप देख रहे हैं कि साल भर से ज्यादा आयोजन भक्ति के इसी तरह से, इसी माध्यम से हो रहे हैं, या तो फेसबुक के माध्यम से, या यूट्यूब के माध्यम से, या जूम के माध्यम से। और हमने भी एक प्रयास किया और ये बहुत सफल प्रयास रहा। सभी ने आपके भक्ति के गीतों को सराहा है और खूब प्रशंसा की है। आपका हम महावीर जन कल्याणक की ओर से खूब खूब आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे इस पंच
दिवसीय कार्यक्रम का जो आखिरी का समापन का जो कार्यक्रम था उसको चार चांद लगा दिए, इसके लिए मैं हमारे पूरे संघ की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर, थैंक यू। विनीत जी बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट कीजिए। जी मैं निवेदन करूंगा हमारे ललित जी परमार जो बॉम्बे से जुड़े हैं हमारे साथ। अशोक जी मैं कहना चाहूंगा हम सब जितने भी संगीतकार हैं एक ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, संगीत ग्रुप, और जिनके एडमिन मैंने हमारे भरत भाई हैं जिन्होंने सभी सिंगर्स को एक धागे में पिरोने का कार्य किया है, उनको भी हम सुने। लेकिन ऐसे हमारे मंच सारथी ललित भाई परमार हमारे साथ जुड़े हैं। ललित भाई, योगेश भाई, ललित भाई को दिखाएंगे आप। और हमारी तरफ से भी तो अब मैं सेवा संघ हैदराबाद की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है ललित जी, मंच के सारथी हैं आप, और ये मंच को भी संभाल के बताइए, हमें हिला के रखिए जरा। देखिए मैं सबसे पहले आप सभी को जय जिनेंद्र करता हूँ। भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में नमन करते हुए, वंदन करते हुए, भगवान महावीर के चार अक्षरों के नाम पर अपनी पंक्तियों को समर्पित करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि महावीर का म कहता है मन का संयम बना रहे, महावीर का हा कहता है हाथ दया से सना रहे, और महावीर का वी कहता है वीतराग इंसान बने, और महावीर का र कहता है कि रहना प्यार से सीखे। भगवान महावीर स्वामी के कथन को साकार करते हुए श्री जैन सेवा संघ हैदराबाद ने जिस तन्मयता के साथ भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर ये पंच दिवसीय कार्यक्रम इस वैश्विक महामारी के सघन दौर में भी करके जिस उत्साह का संवसरण हर व्यक्ति के प्रति किया, उसके लिए मैं दिल से अनुमोदना करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद सर। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है, हेलो, हाँ बोलिए। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि आज आपसे रूबरू होने का सौभाग्य हमें मिला है, और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि ये तेरा कर्म था कि तूने मुझे अपना बना दिया, ये तेरा कर्म था कि तूने मुझे अपना बना दिया, मैं खुद से था पराया तूने अपना बना दिया। आज श्री जैन सेवा संघ हैदराबाद ने हम सबको एक कड़ी में जोड़कर आज सबके सामने प्रस्तुत करने का सौभाग्य दिया है, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। कल का जो कार्यक्रम हुआ अविस्मरणीय, अद्भुत, अलौकिक, अनुपम, अकल्पनीय जिसे मैं कह सकता हूं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर कल आईपीएल के मैच होने के बावजूद भी जब हजारों लोगों ने विनीत जी की भक्ति, सुमित जी की भक्ति देखी, भाव विभोर हुए, और मैंने देखा कितने लोग झूम रहे थे आनंद होकर, मस्ती में मग्न होकर, वाकई में ऐसा लग रहा था कि घर घर में महावीर बस गए। क्या बात है। कल का वातावरण जो था उसके लिए मैं श्री जैन सेवा संघ हैदराबाद को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ऐसी विडंबना के दौर में ऐसे आयोजन को सफलतापूर्वक चरमोत्तर शिखर पर पहुंचाना यह वास्तव में कर्मवीरों का काम है। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि धून के पक्के कर्मठ मानव जब जिस पथ पर बढ़ जाते हैं एक बार तो रोग को भी स्वर्ग बना दिखलाते हैं। आपने जो कल का कार्यक्रम प्रस्तुत करके जो वातावरण निर्मित किया, घर घर में महावीरमय का वातावरण बनाया, उसके लिए दिल से आपकी अनुमोदना करता हूं। और खासकर विनीत जी के लिए तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जैन समाज का ये वो युवा रत्न है कि जो भाव से गाता है, दिल से गाता है, और जब वो गाता है तो मंच को लूट कर आता है। मैं तो इनके लिए इतना ही कहना चाहता हूं कि राग सस्ता है, रंग निकलता है, राग सस्ता है, रंग निकलता है, और जब भी विनीत जी गैमावत गाते हैं तो ऐसा लगता है कि संगीत का जल तरंग बसता है। वेरी गुड, वेरी गुड। परमात्मा से मैं मसीही निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत लोगों को बोलना है, इसके लिए मैं ज्यादा न कहते हुए बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आपका जो ये संगठन है ये बरकरार बना रहे, इसी तरह से समाज के सुकृतियों का सहभागी बनता रहे, क्योंकि एक अकेला छना कभी भांड नहीं फोड़ सकता, एक वाद्य कभी संगीत नहीं बन सकता, एक बूंद कभी सागर नहीं बन सकती, भला इन अकेलों का क्या अस्तित्व है।
कि हम और आप मिलकर जब अपने कदम बढ़ाएंगे, हम और आप मिलकर जब अपने कदम बढ़ाएंगे तो धरती के सीने से भी छांद उगाएंगे, धरती के सीने छांद उगाएंगे। आप इसी तरह से प्रेममय वातावरण महिमा के पंडित सबको जोड़े रखे। आपका एक बार फिर महिमा के पंडित धन्यवाद देना चाहता हूं, आपका एक बार आपने भाई विनीत जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हैदराबाद भाई विनीत जी, आप सुनील जी रूप से बुला ना पाए, हैदराबाद पर भले ही आप रूप पर न्यूट से बुला ना पाए, लेकिन विश्व स्तर पर होने के माध्यम से और ज्यादा कार्य विश्व स्तर पर होने और ज्यादा कामयाबी के भाव दर्शाया कर आपने आपका बहुत प्रेम भाव दर्शाया, इसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, जय जिन। ललित जी सही भी पारखी हैं, विनीत जी मंच के ललित जी सही भी पारखी हैं, इसमें कोई बात संचालन दो मत नहीं है, आपने जो कहा उससे कोई बात ऊपर से भी दो मत नहीं है, आपने जो कहा उससे कहीं ऊपर से भी ऊपर है, जातिवर है, कभी बुला लेंगे ना, जातिवर है, कभी उनको मंच के बुला लेंगे ना, साथ ही बुला लेंगे, कभी उनको मंच के साथ आपके साथ ही बुला लेंगे। अभी उन्होंने एक बात की कि जय निकिता की, ये मिसाल है क्योंकि पता नहीं चल रहा कितने लोग फेसबुक से जुड़े हैं, क्योंकि पता नहीं चल रहा कितने लोग फेसबुक से जुड़े हैं, आपको कल भक्ति का आनंद आया हो, जुड़े हैं आपको कल भक्ति का आनंद आया हो, ये जरूर वोट ऑफ थैंक्स आप भी ये शेयर कीजिएगा, ये एक वोट ऑफ थैंक्स हैदराबाद जी चाहते हैं, और भी लोग जो भी आप सब में देना चाहते हैं, और भी लोग जो भी भक्ति में जुड़ रहे हैं, यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा, शेयर कीजिएगा कि जैन सेवा यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा, बड़ा उदाहरण है जैन की, जैन सेवा संघ यहाँ पर बहुत बड़ा उदाहरण नहीं है, यहाँ पर कोई पंथवाद नहीं है, और यहाँ कोई भी नहीं, संस्थाओं के ऊपर जो हैदराबाद में संस्थाओं के ऊपर संस्था है, जो हैदराबाद में जैन सेवा संघ कोई संस्था है, इस पे दो लाइन में कहना चाहूंगा दीप जी, बात है इस पे दो लाइन में कहना चाहूंगा दीप जी, श्वेतांबर दिगंबर श्वेतांबर तेरा पंथी स्थानक वासी, हम एक देव के अनुयायी, हम एक देव के विश्वासी, हम जैनी अपना धर्म जैन, हम जैनी अपना धर्म जैन, इतना ही परिचय केवल हो, हम ये कामना करते हैं, कामना करते हैं आने वाला ऐसा कल हो नगर नगर में जीना ले, विद्यालय और चिकित्सालय, हम यही कामना करते हैं। बहुत ललित भाई आप हमारे कहने से आज यहाँ पर जुड़े, जैन सेवा संघ की ओर से आपका धन्यवाद, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष जी, अब अगले इस क्रम में कौन बोल रहे हैं? हमारी ओर से अब अशोक जी मुत्था प्रधान संयोजक, वो अपनी बात रखेंगे, और इस पूरे कार्यक्रम को जो हम लोग संचालित करते हैं जैन सेवा संघ के इस पूरे आयोजन में, हमारे हैदराबाद समाज के सारे लोगों का, पूरे जैन समुदाय का बहुत बड़ा योगदान रहता है, अर्थ की भी जरूरत पड़ती है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बार हमारे प्रधान संयोजक अशोक जी वर्मेशा अपनी बात रखेंगे, अशोक जी पुत्था अपनी बात रखेंगे, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अशोक जी पहले अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र, अनम्यूट नहीं हुए अशोक जी आप, क्या हो गए? अनम्यूट कर योगेश जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं उनको। हाँ मैं कर दिया अशोक जी बोलिए। उनका जो हाँ जी ईयरफोन में प्रॉब्लम है, डायरेक्ट बात करो, आप ईयरफोन निकाल दो, अशोक जी ईयरफोन निकाल के बात करो। हेलो, अभी आ रही है अशोक की आवाज आ रही है? नहीं आ रही अभी, ईयरफोन ईयरफोन निकाल दीजिए, नहीं है मोबाइल से निकाल दीजिए, ऐसा मोबाइल से निकाल, आवाज आ रही साहब हमारी? हेलो, आवाज आ रही सर? आ रही है। फ्यूल म्यूट हो गया, हाँ अशोक जी अनम्यूट कीजिए पहले, म्यूट पे है आप। हेलो, हाँ बोलिए,
आरी आवाज भैया। हाँ बुलंद है, बोलिए। हाँ सर्वप्रथम चमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश कोटिश वंदन करते हुए इस सभा में उपस्थित हमारे जैन सेवा संघ के अध्यक्ष अशोक जी भरमेचा, महामंत्री अमित जी मुनोत, मेरे सहयोगी प्रधान संयोजक शील कुमार जी खींसरा जैन, और कल जब कल्याणक महोत्सव की भक्ति में जिन्होंने चार चांद लगाए और जैन सेवा संघ के नाम को भी पूरे विश्व में जगमगाया, ऐसे हमारे श्री विनीत जी गेमावत, सुमित जी, आप सभी को त्रय नगर हैदराबाद की ओर से बहुत बहुत आप सभी का अभिवादन, अभिनंदन और धन्यवाद। इस वर्ष जो महावीर जयंती का कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ हुआ, हम काफी उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही समय बाद ऐसी असमझ की स्थिति पैदा हो गई कि हम भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव किस तरह से बनाए। सोचते सोचते समय अपनी गति की ओर आगे बढ़ रहा था, लेकिन हमारे सभी जैन सेवा संघ के पदाधिकारी के सहयोग से और हमारे जो प्रधान संयोजक शील कुमार जी और प्रदीप जी सुराना के इनके सहयोग से हमने एक ऐसा रूप दिया इसको कि हमने सोचा है कि अब के अगर महावीर जयंती हमने बनाई तो एक आध्यात्मिक रूप में हमें महावीर जयंती बनाना है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक स्लोगन दिया, धर्म करो कर्म की निजरा करो, धर्म करो कर्म की निजरा करो। इसी को साकार करते हुए हमने जो पंच दिवसीय कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया है उसमें हर दिन प्रतिदिन जो कार्यक्रम हुए हैं वह जप तप तपस्या मानव सेवा अन्नदान ऐसे बहुत से ऐसे जो सोशल कार्य है उसी कार्य के रूप को हमने साकार करते हुए आगे की ओर बढ़ाया। कार्यक्रम बहुत ही सीमित हुए लेकिन बहुत अच्छी तरह से इस साल जो हमने महावीर जयंती बनाई, इस महावीर जयंती बनाने में हमें काफी उत्साह और मजा आया। इस कल्याणक महोत्सव को जो जिस दिन कल्याणक महोत्सव का दिवस था यानी 25 अप्रैल को प्रातः महावीर हॉस्पिटल पे हमने भगवान महावीर की प्रतिमा के ऊपर माला अर्पण किया। उसके बाद वहां पर बाजू में ही कीर्ति स्तंभ था, कीर्ति स्तंभ पे भी हमने माला अर्पण किया। हमारा जैन सेवा संघ का मुख्य कार्यक्रम जो था वह 10:30 बजे से जैन सेवा संघ में हमने प्रारंभ किया। 2 घंटे का कार्यक्रम चला वहां पर और बहुत अच्छी तरह से कार्यक्रम हुआ। सभी वहां पर हमारे पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य, संयोजक मंडल आदि सभी वहां पधारे थे और उनका भव्य रूप से वहां पर स्वागत करते हुए हम भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव को वहां पर बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। लेकिन इस उत्साह को और आगे बढ़ाते हुए जो चार चांद आपने हमारे श्री विनीत जी गेमावत, सुमित जी और उनकी जो श्रृंगार पार्टी थी, बहुत श्रृंगार था आपके पार्टी में, इतना मजा आया और मैं भी मेरे को रोक नहीं सका, मैं भी आपके गानों पे बहुत झूम झूम के डांस करना चालू करा। तो पहली वक्त था जो मैं कोई भी भक्ति में इस तरह का डांस परफॉर्मेंस दिया हूँ मैं भी, लेकिन बहुत ही मजा आया, बहुत ही मजा आया, इतना आनंद आया, 1 मिनट भी मैं मेरी जगह पे से उठा नहीं आया यहाँ से। आपको बहुत बहुत हमारे जैन सेवा संघ की ओर से और प्रधान संयोजक जो जन्म कल्याणक महोत्सव की जो समिति बनी है उन सभी की ओर से आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं। एक विशेष आपको यहाँ पर एक बात मैं रखना चाहता हूँ, जैन सेवा संघ ये कुछ 5-10 साल की संस्था नहीं है, लगभग जैन सेवा संघ त्रिनगर की 70 वर्ष से ये संस्था काम कर रही है, जिसमें 4 संप्रदाय के सभी लोग हिलके मिलके आपस में प्रेम और हर्षोल्लास के साथ हर कार्यक्रम, जिसमें मेन कार्यक्रम महावीर जयंती का कार्यक्रम है और दूसरा क्षमापना सम्मेलन का है, सामूहिक रूप से कार्यक्रम हम यहाँ पर बनाते हैं, बहुत ही आनंद के साथ बनाते हैं।
विशेष इस कार्यक्रम की एक विशेषता यह रही है कि भगवान जन्म कल्याणक महोत्सव के एक पावन अवसर पर जैन सेवा संघ की ओर से जो आज के समय में आज जो वैश्विक समय में यह काल चल रहा है, कोरोना महामारी का बीमारी का जो कार्य चल रहा है, बहुत ही सोच विचार के हमने क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था यहाँ पे की है। 25 रूम की व्यवस्था, 25 रूम में लगभग प्रतिदिन लगभग लगभग 40 से 42 पेशेंट्स उसमें कोरोना के जो रहते हैं वहाँ पे उन स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। और वहाँ के जो संयोजक मंडल है बहुत ही अच्छी तरह से वह पेशेंटों की सेवा करते हुए, डॉक्टर्स भी अपनी अच्छी सेवा कर रहे हैं और उस सेवा का सभी ने अच्छी तरह से लाभ उठा रहा है। ये सब पूर्ण हुआ है हमारे जो भी इस कार्यक्रम के सहयोगी है, जिन्होंने अर्थ सहयोग हमें दिया है उनको हमने एक ही बात रखी है, आपकी जो दी हुई राशि जन्म आपकी दी हुई राशि बहुत ही हम अच्छे रूप से और सुचारू रूप से जन कल्याण के रूप में हम खर्च करेंगे। और इस तरह से जैन सेवा संघ की जो गतिविधियां चल रही है उसमें भी जो हमें राशि मिलेंगी प्राप्त होंगी वह उसमें भी खर्च की जाएगी। भैया थोड़ा सा होगा 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 होगा, बस एक मिनट ले रहा हूँ। बस मैं बस अपने वक्तव्य को समाप्त करने से पूर्व मैं जैन सेवा संघ के सभी पदाधिकारी, अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष, सहमंत्री, कोषाध्यक्ष और जन्म कल्याणक महोत्सव के प्रधान संयोजक और संयोजक मंडल का तहे दिल से हृदय से आभार करता हूँ और विशेष विशेष आभार दूंगा हमारे विनीत जी और सुमित जी को, जिन्होंने इस प्रोग्राम को एक बहुत ही चरम सीमा हिमालय की चोटी से भी ऊपर अगर कोई चोटी है तो उस चोटी पे आपने लेके गया है। हमारा जन्म कल्याणक महोत्सव बनाना बहुत ही हमारे जीवन में सार्थक सिद्ध हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने व्यक्ति को यहाँ पर ही विराम देता हूँ। पुनः एक बार आप सभी को सादर सादर जय जिनेन्द्र, धन्यवाद धन्यवाद। विनीत जी आप सुन रहे हैं ना, कल हमारी माँ ने भी बहुत पूरी भक्ति सुनी, मैं भी डांस किया और ताली बजाई, दिया भी जलाया। तो विनीत जी ये सब हमारे प्रधान संयोजक है, जोश में आगे कल लुंगी डांस करे, लुंगी डांस आपकी भक्ति में इतने खुश हो गए। तो विनीत जी अब आपकी तरफ से कौन बोलेंगे, हमारे साथ राजेश जी भंडारी भी जुड़े हुए हैं, वो भी अपने आप में एक बड़े कलाकार है। जय जिनेन्द्र साहब सभी को, अशोक जी भाई साहब भाई है हम। विनीत जी आपकी तरफ से किसको बुलवाना बुलवाई? मैं निवेदन करूंगा हमारे भरत जी कोठारी जो जुड़े हैं, हमारे समाज रत्न और कई संस्थाओं से वो जुड़े हुए हैं और हमारे बहुत हितेशी ऐसे हमारे भरत भाई हैं। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे भरत भाई कोठारी जो बहुत संस्थाओं से जुड़े हैं और बहुत इतने समाज के कार्यो में वो अग्रसर है। तो श्री जैन सेवा संघ के जितने भी पदाधिकारी हैदराबाद हैं, आपका परिचय मैं मुंबई से आपका करा रहा हूँ और जितने भी लोग फेसबुक में भी देख रहे हैं, काफी लोग तो जानते होंगे बॉम्बे में तो भरत भाई को ही, और बहुत सुंदर कार्य वो करते हैं। निवेदन करूंगा भरत भाई हमसे जुड़े। भरत भाई का स्वागत है। जैन सेवा संघ के सभी पदाधिकारी की मैं दिल से अनुमोदना करता हूँ कि आपने कल जो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रखा था उनकी मैं शब्दों में सराहना नहीं कर सकता हूँ, कोई शब्द नहीं है मेरे पास में कि रुक नहीं सकते अब हम धूप चाव में, ये गोद पहुंचाना जरूरी हर गांव में, संगठन में प्राण फूकना प्रण हमारा हो और जैन एकता के लिए मर मिटना ही धर्म हमारा हो। भावना के साथ में जो कार्यक्रम किया है मैं निश्चित की आपकी आपके सभी पदाधिकारियों की मैं दिल से अनुमोदना करता हूँ कि इतना ऐतिहासिक सुंदर कार्यक्रम आपने घर पे बैठे हर भक्तों को भक्ति के माध्यम से एक भगवान के पास समीप पहुंचने का एक जरिया भक्ति के माध्यम से जोड़ा। हकीकत में आप सभी पदाधिकारियों की मैं दिल से अनुमोदन करता हूँ, इतना सुंदर कार्यक्रम आपको पता ही है आज के माहौल में कोरोना का काल चल रहा है, लेकिन उस कोरोना के काल में भी जैसे कि विनीत भाई ने अभी कहा कि अगर हम मैं हैदराबाद आता तो भक्ति सिर्फ हैदराबाद के लोगों के साथ में करता, लेकिन इस तरह से आप ऑनलाइन भक्ति सेवा करके एक एक भक्तों को भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव निमित्त भक्तों के साथ भगवान के समीप जोड़ा, भगवान से समीप मुखारविंद होने का जोड़ा, भगवान के समीप उनके चरणों में एक आशीर्वाद एक अलौकिक आनंद देने के लिए जोड़े आप सभी को, तो मैं दिल से आपकी अनुमोदना करता हूँ। कल 4.5 घंटे की भक्ति
इतनी की भक्ति करो तो ऐसी करो जो मेरे दादा को रिझावे। अरे हम क्या दादा से मिलने जाए, एक दिन खुद दादा हमसे मिलने आए और ऐसी भावों से ओतप्रोत, ऐसी कि भाव अगर ऊंचे हो। कल जो विनीत भाई ने भक्ति की तो एक लाइन मुझे याद आती है कि भाव अगर ऊंचे हो हेलो जी अनम्यूट कीजिए, मेरा भरत म्यूट हो गया। भाव अगर ऊंचे हो तो भक्ति के सारे साज कम पड़ जाएंगे, और भाव बिगैर भक्ति हो कोई साज काम नहीं आएगा। प्रभु के दरबार में हम रोज दर्शन को जाते हैं, दादा के दरबार में हम रोज दर्शन को जाते हैं। अगर आपके मन के भाव शुद्ध हो तो एक दिन खुद दादा आपको दर्शन देने आएंगे। और इस ऑनलाइन भक्ति के माध्यम से जो भक्ति का पेड़ाना अभी तक में हमारे जमा कुल की तीसरी पीढ़ी, अभी तो चौथी पीढ़ी भी आ गई है, विनीत भाई के छोटे लड़के और लड़की दोनों वो भी बहुत ही सुंदर गाते हैं। तीन पीढ़ियों से जो दिन शासन रत्न की शासन प्रभावना कर रहे हैं, मैं पूरे जैन संघ की ओर से उनकी दिल से अनुमोदन करता हूँ कि कल की भक्ति में हम लोगों ने पूरी भक्ति देखी। कहीं ऐसा नहीं लगा कि इस भक्ति में कोई एकदम मतलब प्रभु के साथ में हम नहीं बैठे कि भगवान साक्षात ऐसे ही लगता है घर कि हम भगवान मावी के साथ में बैठे हैं। और घर घर में विनीत भाई आपने पूरे हर घर घर में कोई जैसे कि भाई साहब ने कहा कोई थाली बजा रहा था, कोई लुंगी डांस कर रहा था, हकीकत में सब महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव पूरे घर घर में महावीर जन्म उत्सव मन रहा था। कल मना रहे थे लोग और वीडियो के माध्यम से हम लोग देख रहे थे कि समय की मर्यादा बहुत कम है, तो मैं इतना जरूर कहूंगा विनीत जी गेमावत के लिए कि किसी समय में तानसेन, मैं आज विनीत जी गेमावत को तानसेन की उपमा देना जरूर समझूंगा कि किसी समय में तानसेन जब दीपक राज सुनाता था आग उगलती थी समनम अंबर रख बरसाता था, एक करिश्मा फिर वैसा ही कल ऑनलाइन भक्ति में चाया था और झूम उठा था हर भक्त जब विनीत गेमावत का स्वर लहराया था, हकीकत में खूब का अनुमोदना। हमारे साथ में मेरे परम गुरु जिन्होंने 5000 गीत लिखे हैं, हमारे प्रदीप जी ढालावर अभी आएंगे, लेकिन जब गुरु मेरे सामने बैठे हो और अगर मैं उनका नाम नहीं लूं तो मुझे बहुत खराब लगेगा, क्योंकि एक ऐसा शासन का हीरा, एक ऐसा शासन का प्रहरी, जैसे कि विनीत भाई ने भी बताया, ललित जी ने भी बताया, 5000 गीत जिन्होंने निस्वार्थ लिखे, और कल ही जो एक गीत इनका रिलीज हुआ मैं जैन हूँ, करीबन 2,00,000 लोग उस गीत को देख चुके हैं, विक्की पारेख जी ने भी गीत गाया, ऐसे अनगिनत गीत, हाँ ऐसे अनगिनत गीत, ना ओसवाल मुझे कहना ना पोरवाल मुझे कहना, जो दिल्ली में दीक्षा हुई थी भवरलाल जी जोशी की, पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो महान, जीरावाला की प्रतिष्ठा के जितने भी गीत, ऐसे अनगिनत गीत जिन्होंने लिखे, आज बड़ा परम सौभाग्य है। और मैं सबसे ज्यादा तो अनुमोदना हैदराबाद जैन संघ की करता हूँ जिन्होंने आज हमें इस भक्ति के माध्यम से जूम मीटिंग में जोड़ा, और विनीत जी गेमावत का भी विशेष आभार जिन्होंने भी आज आपसे रूबरू कराया। यूं तो हर मुलाकात अनजान होती है और अनजान से ही तो पहचान होती है, पर जब मुलाकात हो जाए हैदराबाद जैन संघ को समर्पित तो असल में मुलाकात हुआ करती है, असल में मुलाकात हुआ करती है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जोरदार, बहुत जोरदार, बहुत बहुत धन्यवाद भरत भाई। और अभी मैं सभी से निवेदन करूंगा, अशोक जी करीबन 10-20 हो चुके हैं, तो हम 15 या 20 मिनट में, तो आप नेक्स्ट, आप कौन बोल रहे हैं? हमारे अमित जी मुनोत से महामंत्री है हमारे, उनको तो जरूर बोलना है क्योंकि इस पूरी पहले उन्हीं को देखो, सूत्रधार अमित जी है। और अमित जी हमारे पास में ऐसे यंग कार्यकर्ता है विनीत जी कि बहुत जोशीले हैं, और वो कब क्या करके निकल जाएंगे कोई भरोसा नहीं है, फिर करने के बाद में हमको संभालना पड़ता है कि हाँ हमारे मंत्री जी कूद गए भाई, अब उनको देखना है। तो हमारे ऐसे महामंत्री हैं, बहुत अग्रेसिव हैं और इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार हैं, उनको मैं बोलना चाहूंगा कि वो अपनी बात सही तरीके से रखें, और आपकी भक्ति जितनी ऊंचाई पे भक्ति को ले गए ना आप, हमारा जैन सेवा संघ का नाम भी उतना ऊंचा हो गया है। तो मैं आपको एक बार फिर जैन सेवा संघ की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। ये सब अध्यक्ष के ऊपर निर्भर करता है, अध्यक्ष जिस तरह से लीड लेता है उसी तरह सब चलते हैं आगे। ये हमारे अशोक जी संचेती है, हमारे कोषाध्यक्ष है, पैसा नहीं दिए तो काम नहीं होता। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटीश्वर वंदन, देश भर में विराजित सभी साधु संतों के
साधु संतों के पावन में कोटेश्वर वंदन। मैं महावीर स्वामी के मैं दो वक्त आपको बताना चाहता हूँ। जो पर पीड़ा मन धारे वो नयन नीर हो जाएगा, जो नैनों की भाषा समझा उनके पीर हो जाएगा, उनका ही पीर हो जाएगा। जो जीवन के वायु मोम को तज कर दग गंगा जल से तन मन तीर्थ का बना लेगा वो महावीर हो जाएगा। महावीर जयंती की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे जूम टीवी का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें श्री अशोक जी बरमेछा अध्यक्ष जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने कल का कार्यक्रम की परमिशन हमें दी, और सांस्कृतिक टीम प्रधान संयोजक हमारे अशोक जी मुत्ता, प्रदीप जी सुराना, सील कुमार जी खेवसरा, साथ ही सांस्कृतिक टीम के सभी सदस्य, उसके पश्चात यहाँ पे उपस्थित भरत भाई कोठारी, प्रदीप जी डेलवाल, ललित कुमार जी, ललित जी परमार, इन सभी को सादर जय जिनर और प्रणाम। साथ ही हमारे सभी जैन सेवा संघ के कार्यकारिणी सदस्य पदाधिकारी अशोक जी संचेती, सहमंत्री महावीर जी मनोज, सहमंत्री जसराज जी बाफना, सहमंत्री उपाध्यक्ष शिवराज जी सोनी, उपाध्यक्ष अशोक जी कटारिया, और सभी जैन सेवा संघ के कार्यकारिणी सदस्य, सभी जैन सेवा संघ के सदस्य, सभी को सादर जय जिनर प्रणाम। महावीर जयंती बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पहली बार आध्यात्मिक धर्म से हुई। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम महावीर जयंती के पंच दिवसीय हुए, उसमें सभी ने अलग अलग रूप से भाग लिया। किसी ने मतलब जप किया, जप के साथ में तप किया, तप के साथ में कर्म निर्जरा की, इस मानव सेवा के कार्यक्रम है। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम ये बार महावीर जयंती के आत्मिक रूप से बहुत ही कम खर्चे में और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुए। साथ ही हमारे कोविड सेंटर की टीम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो अपनी जान के बाजी लगा के भी कोविड सेंटर का कार्य बहुत सुचारू रूप से कर रही है, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही विनीत जी गेमावत जो हमारे बहुत ही सुंदर कार्य कलाकार है, जिनका परिचय मेरे को 2 साल पहले हुआ था, जिनका जैन सेवा संघ में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कराने की मेरी बहुत इच्छा थी, पर किसी कारणवश 2 वर्ष पूर्व वो कार्यक्रम नहीं हुआ क्योंकि विनीत जी कोई दूसरे कार्यक्रम में बहुत बिजी थे। उन्होंने बहुत प्रयास किया आने के, मगर कई कारण से वो नहीं आ सके। उसके पश्चात ये बार जो गुरु भक्ति का कार्यक्रम उन्होंने किया वो भी बहुत ही शानदार कार्यक्रम किया। विनीत जी और सुमित जी गेमावत ने मेरा बहुत अच्छा परिचय उनसे हुआ, और उतने सरल स्वभावी है वो विनीत जी गेमावत के मैं उनकी क्या बात कहूँ, कि मतलब कोई शब्द नहीं है मेरे पास के। जैसे वो माइक का संचालन और जैसे वो कार्य करते हैं वो बहुत ही सुंदर है, और ये जो भक्ति को चार चांद विनीत जी गेमावत और सुमित जी गेमावत और उनकी पूरी म्यूजिशियन टीम, साथ में योगेश भाई जिन्होंने बहुत अच्छा सुंदर कार्यक्रम है, उनको बहुत तहदिल से धन्यवाद देता हूँ। जैन सेवा संघ बहुत सारे कार्य करती है, जैन सेवा संघ के करे कई कार्य है। करीब 5,800 मेंबर जैन सेवा संघ के परिवार है, मतलब 50,000 सदस्य घर के जैन सेवा संघ से जुड़े हुए हैं, और जैन सेवा संघ का बहुत ही सुंदर कार्य चलता है, जिसमें अभी क्वारंटाइन सेंटर है, स्वास्थ्य समिति है, छात्रवृत्ति है, आर्थिक सहायता है, प्रोफेशनल विंग्स है, म्यूजियम की एक समिति है हमारी, जैसे जैन सेवा संघ का एक म्यूजियम भी हैदराबाद में है जिसमें बहुत प्राचीन प्रतिमाएं है, उस पर कई समितियां है, स्वास्थ्य समिति भी बहुत अच्छा अपना कार्य करती है, सांस्कृतिक समिति है, पश्चात आर्थिक सहायता की भी समिति है, प्रोफेशनल विंग्स है, माइनॉरिटी की समिति है, ऐसे कई समितियां जैन सेवा संघ की कार्य करती है, जिसमें सांस्कृतिक है, हॉस्टल व्यवस्था समिति है, साधार्मिक सेवा समिति है, जैन प्रोफेशनल फोरम समिति है, जैन म्यूजियम समिति है, प्रचार प्रसार समिति है, और कार्ड की पहचान पत्र समिति है। अभी जैन सेवा संघ के करीब 1,000 सदस्य नए जो जैन सेवा संघ द्वारा बने हैं वो भी बहुत सुंदर है, और आगे 5,000 और मेंबर नए नए बनने वाले हैं। जैन सेवा संघ का एक महिला विभाग है वो भी बहुत अच्छा कार्य करते हैं, उसमें भी 850 करीब महिलाएं जुड़ी हुई है। भवन व्यवस्था समिति है जिसका भी बहुत सुंदर से कार्य भवन व्यवस्था करती है, आर्थिक सहायता समिति है, व्यवस्था समिति है, शिक्षा प्रशासन समिति है, छात्रवृत्ति समिति है, रक्तदान समिति, ऐसी कई समितियां जैन सेवा संघ के अंतर्गत है, और वो अपना काम बहुत निष्ठापूर्वक और बहुत सुंदर कार्य करती है, और जैन सेवा संघ को कई ऊंचाइयों के साथ में, चारी संप्रदाय की जो जैन सेवा संघ है उसे कई ऊंचाइयों के साथ वो जैन सेवा संघ को लेके जा रहे हैं। इसी के साथ सभी को सादर जय जिनन और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष जी अशोक जी बरमोछा जो जिन्होंने बहुत सरल स्वभावी है, और शायद मेरे को बहुत गर्व महसूस होता है कि मेरे को उनके साथ काम करने का मौका मिला,
जो मेरे बहुत ही मतलब मैं उनसे बहुत प्रेरणा लेता हूँ, बहुत ही सुंदर कार्य करते हैं, साथ में रहते हैं, साथ में कैसे कार्य करना है, कैसे उनका कार्य करना है। वो जैन सेवा संघ के साथ में तेरा पंथ कई समितियों के अंदर कई अध्यक्ष रह चुके हैं और उनके हाथ से कई अध्यक्ष भी हो रहे हैं और उनके कई सबको आगे बढ़ाओ, सबको साथ में लेके चलो, कैसे कार्य करना है, कैसे मतलब एक हफ्ते का कार्यक्रम की लिस्ट एक हफ्ते पहले ही मेरे पास आ जाती है कि आपको क्या कार्य करना है। प्लानिंग बहुत उनकी सुंदर रहती है और सबको सरल स्वभावी और सबको साथ में लेके वो चलते हैं। साथ ही हमारे पूरे पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य, हमारी सभी समितियां और सभी जैन सेवा संघ के सभी मेंबर, प्रधान संयोजक, संयोजक जैन महावीर जयंती के प्रधान संयोजक, संयोजक, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने महावीर चांदी के महावीर जयंती महावीर जन्म कल्याण के बहुत सुंदर कार्यक्रम किए। इसी के साथ सादर जय जिनन, जय महावीर, जय जय जिनन। सुने हमारे महामंत्री साहब को, इतनी समितियां रखते हैं अपने साथ, ऐसा एक भी समिति ऐसी नहीं है जो काम नहीं कर रही है। ढाई महीने में 1000 से ज्यादा मेंबर बनाए हैं, ढाई महीने का कार्यकाल हुआ है हमारा भी, 1000 से ज्यादा मेंबर बनाए और 5000 का टारगेट रखते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बॉम्बे में इतना सारा बड़ा लॉकडाउन जिसमें आप पुलिस परमिशन लेने के बाद कार्यक्रम को करना था, आप मैंने सुना 2 बार पुलिस स्टेशन गए और इतने करुणा काल के अंदर में इतने टफ पोजीशन में आपने 4.5 घंटे की भक्ति चलाई। और आपके योगेश जी जिन्होंने इतना बढ़िया मिक्सिंग किया है कि काबिले तारीफ है। तो मैं आपकी पूरी टीम को तहे दिल से हमारे जैन सेवा संघ का इतना बड़ा नाम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रदीप जी ढालावत हमारे साथ जुड़े हैं, योगेश भाई, प्रदीप जी ढालावत जुड़े। दिल जी मैं बताना चाहूंगा, ऐसे तो भरत भाई ने काफी बताया है, बस शॉर्ट में यही कहूंगा, इतना अगर कोई सरलता का कोई प्रतीक है तो वो हमारे प्रदीप जी ढालावत है। निस्वार्थ सेवा करते हैं समाज के लिए। जब भी कोई भी बात अगर कोई अर्जेंटली भी अगर हमने कहा है तो रात को 2-2 बजे तक भी उन्होंने गीत बनाकर हमको दिए हैं। तो ऐसे हमारे प्रदीप जी ढालावत, हम वो बहुत शर्माते बहुत हैं, बोलते कम हैं, पर उनकी लेखनी इतनी गजब है। निवेदन करूंगा हमारे प्रदीप जी ढालावत यहाँ पर हम सबको सभी को जय जिनेंद्र, स्वागत है। प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदना और श्री जैन सेवा संघ के पदाधिकारियों को हार्दिक अभिनंदन वंदन। मेरे से जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ और छोटे जो है उनको मैं शुभकामना देता हूँ कि आप लोग जो भगवान महावीर का संदेश जन जन तक पहुँचा रहे हो और जैन धर्म को जन जन का धर्म बना रहे हो, ये वाकई में एक संगठन के अंदर जो शक्ति होती है उसी से हो सकता है। हमारे गुरुदेव जैन सेन सूरी जी जो मेरे गुरुदेव थे, उन्होंने बहुत बढ़िया पंक्तियाँ लिखी है संगठन के ऊपर कि रे चीर प्रवासी के देख संगठन में शक्ति है और संगठन से ही सिद्ध होती कई युक्ति है, डोरी बनी कई तार से होती बड़ी मजबूत है और संगठन आती भी उसी से बनते है, डोरी बनी कई तार से होती बड़ी मजबूत है आती भी उसी से बनते है, ये संगठन का सबूत है, ये संगठन का सबूत है। तो ये हमारे संगठन जैन समाज आज के जमाने में संगठन ही हम सबको आगे ले जाएगा। हम फिरकों में बटे हुए रहेंगे तो अकेले हम कुछ नहीं कर सकते और एक से एक जुड़ते जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई होते जाएंगे, 1 और 1 11 3 जुड़ेंगे तो 111 और 4 जुड़ेंगे तो 1011। तो हम हमारे अंदर हर जैन के अंदर एक महावीर बनने की ताकत होती है, मैं ये मानता हूँ। और हम अकेले विश्व के एक सिलेक्टेड लोग हैं जो 600 करोड़ लोगों में से सिर्फ 100 करोड़ की जो आबादी भारत की है और पूरे विश्व में 600 करोड़ की जो आबादी है या 700 करोड़ जो भी होगी उसमें हम 1 करोड़ है। तो कुदरत ने हमको बेस्ट जॉब के लिए जो प्रायोरिटी के ऊपर हमको सिलेक्ट करके हमको यहाँ पे भेजा है और यही काम हम हमारा काम कर रहे हैं। हर जैन के डीएनए में ये होता है। और कल की भक्ति के बारे में बात करता हूँ तो वाकई में आप लोग जो तारीफ के पुल बांध रहे हो वो हकीकत में काबिल के तारीफ ही है। और विनीत भाई हमारे जो नाम से तो विनीत है, स्वभाव से भी विनीत है, सुमित जो मीठे हैं स्वभाव से सबके मीत है वो भी। और अशोक जी हमारे कहते हैं कि राज कपूर की फैमिली जिस तरह से 4 पीढ़ियां चल रही है वैसे जैन संगीत में भी
गेम हाउस फैमिली की चार पीढ़ियां चल रही है और उनके लिए ही कहूँगा कि ना तो इनके स्वभाव में कोई दिखावट है और ना इनके बोलचाल में कोई बनावट है। ये जैम है हमारे जैन समाज के और उनका सरनेम के अंदर भी आगे GEM गेमावत के आगे लगते हैं, पर हमको जैमावत बोलना चाहिए इनको क्योंकि जैम है हमारे समाज के। तो ना इनके स्वभाव में कोई दिखावट है और ना इनके शब्दों में कोई बनावट है, ये जैन है, जैम है हमारे समाज के और नाम हमारे अशोक भाई गेमावत है, विनीत भाई गेमावत है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने भी हमको जोड़ा और आप लोगों का कार्यक्रम और आप लोगों के कार्य प्रणाली देखकर बहुत बहुत खुशी हो रही है कि जैन समाज में ये जागरूकता है और हर क्षेत्र में हर एरिया में हम जाते देखते हैं कि चाहे साउथ से लेकर नॉर्थ तक देखो तो अपने जैन समाज के लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ योगदान दे रहे और राष्ट्र के निर्माण में और जैन समाज के निर्माण में अग्रणी है। अब मैं भी परिषद से जुड़ा हुआ, राजेंद्र जैन नवयुग परिषद, इसकी भी आपकी जिस तरह से शाखा है 70 साल के सत्र जैन परिषद जो है हमारी वो भी 65 साल जूनी है, उसकी भी 400-500 शाखा है आपका इंडिया में और हम लोग मुंबई शाखा से जुड़े हुए, मैं भरत जी, ललित जी परमार। और एक और बात बताना चाहता हूँ कि संगीत भैरव ग्रुप के माध्यम से ही सबसे पहले गए साल में फेसबुक भक्तियाँ शुरू हुई थी, अब विनीत जी को तो पता है इसके बारे में, और उसके बाद पूरे भारत में ये श्रृंखला चली थी क्योंकि संगीत भैरव ग्रुप जो है वो वाकई में सब संगीतकारों को जोड़ने वाला तो है ही है, लेकिन सब सक्रिय है और सब एक दूसरे के लिए जान छिड़कते हैं, ऐसे हमारे सब मेंबर हैं और किसी को कोई ईगो नहीं है, कितना भी बड़ा कलाकार हो चाहे कितना भी छोटा हो, हम एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हैं और मकसद एक ही है कि परमात्मा का शासन जयवंत रहे और कोई भी भक्ति कैसे भी कर रहा है बस वो बड़ी बात है। और इस कोरोना काल में तो वाकई में विनीत जी ने कल इतिहास रचा है कि साधन होने के बाद साधना करे और भवन होने के बाद कोई भावना रखे तो अच्छी बात है, लेकिन ना तो साधन है ना भवन है, उसके बाद भी उन्होंने पूरे देश को जोड़ दिया। बहुत बहुत अनुमोदना आप सबों की और मानव सेवा संघ की पुनः अनुमोदना करता हूँ कि आप इसी तरह कार्य करते रहे, परमात्मा का आशीर्वाद आप पर बना रहे, हर तरह से आप तन मन धन से आप सुखी संपन्न रहे सब, यही परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। जय जिनेंद्र। विनीत जी सारे जोरदार नगीने हैं आपके साथ जी, एक से बढ़कर एक है जी। तो अभी हमारी तरफ से पारस जी डोसी जो सांस्कृतिक समिति के संयोजक है हमारे, वो अपनी बात रखेंगे। पारस जी जरा सीमित में देख के रखना टाइम। सादर जय जी ने सर, आ रही है सर। सादर जय जिनेंद्र। सब सर्वप्रथम श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उसके बाद मैं हमारे जैन सेवा संघ के अध्यक्ष श्रीमान अशोक जी बरमेचा, महामंत्री अमित जी मुनोत, सहमंत्री महावीर जी मुनोत और अशोक जी संचेती, हमारे कोषाध्यक्ष, प्रधान संयोजक शील बाबू जी, अशोक कुमार जी और प्रदीप जी सुराना जो इस वक्त हमारे यहाँ पे नहीं है, वो कई कारण से भी साथ नहीं है, तथा मेरी सारी टीम, मेरे सहयोगी बंधु तथा सुलके सरताज और माँ सरस्वती जिसके कंठ में विराजमान है श्रीमान विनीत जी गेमावत एवं सुधीर सुमित जी गेमावत का तथा उनकी टीम का मैं बहुत सादर जय जिनेंद्र एवं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सर्वप्रथम मैं हमारे अध्यक्ष जी और मंत्री जी के बहुत बहुत आभार हूँ कि उन्होंने जैसे ही अपना पद संभाला इन समितियों को बनाए और जैन सेवा संघ के जहाँ तक मेरी जो नॉलेज है पहली बार इतनी समितियां बनी है और पहली बार इस सांस्कृतिक समिति का भी गठन किया गया है। और अमित भाई का डे वन से एक ही था कि भाई महावीर जयंती कार्यक्रम हो तो हमें बहुत बड़ी भक्ति का कार्यक्रम रखना है और उस कार्यक्रम में हो ना हो कैसा भी हो विनीत जी को बुलाना है। तो उन्होंने महावीर जयंती का जैसा प्रोग्राम बना उन्होंने मुझे हमें बोला कि भाई सांस्कृतिक समिति के अंतर्गत आपको एक कार्यक्रम करना है और हमने बहुत बड़ी रूपरेखा बनाई आपके कार्यक्रम के लिए। सच मानो एक बहुत बड़े विशाल पैमाने पे हम आपका भक्ति का प्रोग्राम करने का पूरा एक प्रोग्राम सेट हो गया था कि आपको किस तरह हम आपको वहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, कैसे आपको आएंगे, कैसे आपका वहाँ पे वो जो व्हाट्सएप बनाएंगे। और जबकि अमित भाई ने बताया कि आपका कई प्रोग्राम ऑलरेडी सूरत का शायद फाइनल था तो वो चीज़ ऊपर नहीं चला था, पर अमित भाई ने बताया कि कुछ मत करो पारस भाई, आपसे प्रोग्राम करो, विनीत भाई को लाने का काम मेरा है। और वो काम वो हुआ, पर कुछ कारणवश संयोगवश वो हम वास्तव में यहाँ पे नहीं हो पाए। पर उसके लिए अमित भाई ने फिर बोले, 2-3 दिन पहले बताया कि भाई अपने लाइव भक्ति हो रही है और हमें इस चीज को करना है और उसके लिए उन्होंने अथक प्रयास किया, अमित भाई ने बहुत प्रयास किया है और उस प्रयासों का आज हम कल रात में सब सकल जैन समाज देगा कि जो प्रयास अमित भाई ने और अशोक जी ने किया है वो कल बहुत सफल हुआ है।
विदिन जो विगत साल में कई लाइव भक्तियां हुई है, मैंने भी दो तीन ऑर्गेनाइज की थी, पर जो कमेंट्स कल जो भक्ति में दिखे वो कमेंट इतने साल की भक्ति में नहीं दिखे सर। मेरे पास पर्सनली कल जैसा मैं लाइव भक्ति देख रहा था, मेरे पास वीडियो आ रहे, रिमार्क्स आ रहे, कमेंट्स आ रहे थे। एक दो कमेंट तो ऐसे थे कि भाई ये कि था कि भाई चाहे विनीत जी की ऐसी आवाज है, हम इतना अद्भुत हो गए कि हमें साक्षात प्रभु महावीर के दर्शन हो रहे हैं। ऐसे ऐसे कमेंट ऊपर में भी ऊपर, ऊपर से भी ऊपर, ऊपर में भी ऊपर सर, बिल्कुल सर। कल मैं भी लाइव भक्ति बहुत देखा हूँ, अभी पूरी पूरी भक्ति कभी नहीं देखा, पर आपकी भक्ति कल स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैंने शायद आपको मैसेज भी किया था, अंत में आपने ये तो मेरे कमेंट्स के हिसाब से उसकी जो आपका आरती वरती का मैंने किया था वो हुआ है। मैं पूरे मेरे जैन समाज की ओर से, जैन सेवा संघ की ओर से आपको बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद देता हूँ जो आपने कल जो भक्ति प्रस्तुत की है, और जैन सेवा संघ हैदराबाद का नाम जो सिर्फ भारतवर्ष नहीं सकल विश्व में गया है उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। साथ ही साथ मैं अपने साथी सहभागी एवं हमारे अध्यक्ष अध्यक्ष अशोक जी और अमित जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कार्यक्रम को लेकर आगे आए। सादर जय जी। विनीत जी सुन रहे हैं ना सब? योगेश जी कुछ बोलेंगे आपके? योगेश जी जी हाँ जी, तो भी आज कल तो इनकी भी कलामत बहुत थी कि इतने लोगों ने वीडियोस भेजे, पर इन्होंने देख जी बिल्कुल, क्योंकि एक ही समय पर सब कुछ चल रहा था, इनको यूट्यूब मैनेज करना था, इनको फेसबुक मैनेज करना था, वीडियो शूटिंग होनी है, उस तरफ उनका ध्यान था, और उसमें इतने वीडियोस आ रहे थे, और वीडियोस क्योंकि इतने सारे वीडियोस आ रहे थे कि सब वीडियोस बताना भी शक्य नहीं था, और उसमें फिर जो नहीं बता रहे हैं तो उस पे फोन क्योंकि मैं तो वहां जा रहा था कंटिन्यू, तो ये पूरा काम भी यही संभाल रहे थे, मेरा मोबाइल भी इनके पास ही था। अगर योगेश भाई कुछ बोल सके तो बोलो योगेश भाई। जी, मेरे को बोलने का ज्यादा अनुभव है नहीं और इतना प्रैक्टिस है नहीं, फिर भी योगेश जी काम करने में भरोसा रखते हैं, बोलने में नहीं रखते हैं। हाँ जी जी, जरूर जरूर। ये खुद भी जैन है, सच्ची जैन है, तो इस बात की हमको और भी खुशी है कि हमारे जैन भाई हमको मिले, उस बात की हमको और भी ज्यादा खुशी है। जी 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 जरूर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबको पहले आदरणीय प्रणाम, और जो हैदराबाद की जो टीम काम कर रही है वो तो वाकई एकदम तारीफ काबिल है, और हमको इसमें जुड़ने का मौका मिला तो हमको सौभाग्यशाली समझते हैं। और दूसरी बात ये, जो कल का प्रोग्राम तो अच्छा ही हुआ, उसमें तो कोई बात नहीं, हर बोला है, तो मैं ये लास्ट कोविड के जो एक साल से जो चल रहे उसमें कम से कम 150 से ज़्यादा ही मैंने प्रोग्राम किए हैं, तो इसमें मेरा एक अनुभव ऐसा हुआ कि ये जो अपन जो कई ऑनलाइन किए हैं तो उसमें जैसे बताया कि हैदराबाद का फंक्शन है तो हैदराबाद वाले ही जुड़ सकते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम में हर जगह के जुड़े, जैसे यूएस तक यहाँ अपना जो लाइव प्रोग्राम जा रहा था तो वहाँ भी उन लोग ने, तो लास्ट पयूषण में मैंने यहाँ के उपाध्याय में ऑनलाइन ऐसे प्रवचन जो साध्वी जी थे उनके किए, तो उनका भी ऐसा ही हुआ, जो उपाश्रय बहुत छोटा है, जो 250 जन ही आ सकते हैं, लेकिन उनके प्रवचन मैंने जैसे लाइव रिले किए तो कम से कम 800-1000 जन जुड़े, और वो भी अलग अलग जगह, यूएस से भी मेरे को मैसेज आ रहा है, मेरा स्क्रॉल जो जा रहा था नीचे से मेरे को मैसेज आ रहा है कि भाई इनको जो साध्वी जी को मथिरवंदामी ऐसा करके, तो ये एक अच्छा माध्यम हुआ है। जो यूएस में तो उन लोग का ऐसा मैसेज आया कि भाई ऐसा हमको प्रोग्राम या ये जो भी प्रवचन है हमको सुनने को नहीं मिलता, हम तरस रहे हैं, तो ये आपने बहुत काम किया, वो मेरे को ये किया, मतलब मैं तो माध्यम हूँ, मैं तो एक माध्यम ही हूँ, तो बोला वो हमारे को इतने प्रसन्न हो कि भाई ये हमको जो संस्कार है, जो पर्यूषण में जो एक्टिविटी होती है वो हमको वहाँ मिलती नहीं, ये आपके थ्रू हमको मिली, तो एक ऐसा अनुभव मिला कि ये ऑनलाइन से बहुत सारी चीज है, जैसे कल हैदराबाद में हैदराबाद का फंक्शन था लेकिन हर प्रांत से जुड़े हुए थे, तो एक अच्छा, और विनीत जी का जो एनर्जी था वो देख के हमको ये 3 घंटा कैसा निकल गया पता ही नहीं चला, और आप सबका जो प्यार था, और आप अपने अपने घर पे जो जुड़ के जो एक एक का हमने वीडियो देखा कि जैसे भाव से वो लोग अपने अपने घर में भक्ति भाव में ऐसे डूबे हुए थे, सबका वीडियो मैंने डाला है, ज्यादातर जो आए इतना तक मैं डालने की सब कोशिश किए, फिर भी जिसका नहीं आया हुआ उसके लिए मैं थोड़ा मीठा में देख रहा हूँ, और अशोक जी आपका भी धन्यवाद। विनीत जी अगर समय है तो हमारे पास में बोलने वाले और भी हैं, पर अभी देव जी आप हैं, पर देख लीजिए समय ज्यादा हो रहा है,
देख लीजिए क्योंकि हमारे पास में अभी महावीर जी मुनोत अशोक राजेश जी भंडारी थोड़े दिनेश जी सब आपके लिए कुछ ना कुछ बोलना चाहेंगे क्या करें अब इनको रोक तो नहीं सकते राजेश जी भंडारी एक मिनट में अपनी बात रखें सभी को सादर जय जिनेन कल का कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ उसके लिए जैन सेवा संघ की टीम और विनीत जी की टीम को मेरी ओर से और जैन सेवा संघ की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं धन्यवाद अशोक जी संचेती हमारे कोषाध्यक्ष हैं देखिए उनको नहीं बुलाएंगे तो हमको पैसे कौन देंगे आप समझ रहे हैं ना अशोक जी आपको मालूम है हमारा क्या नेचर है आपने बोल दिया तो सबका आ गया फिर भी आपने दिया आदेश दिया बोलने के लिए हम तो यही बोलेंगे जो भी कार्यक्रम निश्चय करते हैं अशोक जी बरमेचा जो सोचते हैं वो उसको क्रियान्वित करने में अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं और वैसे ही उनकी टीम पीछे काम करती है हमारे मंत्री भले ही यंग है हमसे कम वसंत देखे है लेकिन उनका जो उत्साह है हमारे से काफी ज्यादा है और उनके उत्साह को देखते देखते कई बार हमको रुकना पड़ता है अरे नहीं भाई अमित जी की इच्छा है चलो होने दो ऐसे ही इसलिए मैं अपनी ओर से पूरे जैन सेवा संघ टीम की ओर से आपके पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ बहुत ही शानदार प्रस्तुति रही आपकी और जिसमें मतलब जिस कोरोना काल के वजह से लोगों को लगा कि भाई महावीर जन कल्याणक महोत्सव का कोई खास प्रोग्राम नहीं होगा लेकिन उसमें आपने चार चांद लगाए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत 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 धन्यवाद राजेश जी हाँ मैं एक दो शब्द बोलिए मैं खाली क्या नाम विनीत जी से उनके लिए एक छोटी सी शायरी बोल देता हूँ बोल दीजिए छोटी सी ज्यादा बड़ी नहीं है तो मैं पिछली बार अमित जी के जो प्रोग्राम में आया था भक्ति के टाइम पे तभी मैं बोल रहा था माइक लेके सोचा फिर वक्त नहीं मिला तो एक छोटा सा है बोलिए उस दिन प्रभु ने भी जश्न बनाया होगा उस दिन प्रभु ने भी जश्न बनाया होगा जिस दिन आपको अपने हाथों से बनाया होगा उसने भी बहाए होंगे आंसू जिस दिन आपको यहाँ भेजकर खुद को अकेला पाया होगा बस इतना ही है मेरा राजेश जी गोगलिया हैं कलाकार हैं अगर मैं इन लोगों को नहीं बुलाऊंगा तो मेरी टीम मेरे से नाराज हो जाएगी इसी कड़ी के अंदर में हमारे पास एक हिसाब है भवन हाँ बोलिए अशोक जी के मिट्टे शब्द है जो उनके शब्द सुनते सब पास आ जाते तो वो कहते हैं ना चाय में शक्कर नहीं तो पीने का क्या मजा और जैन सेवा संघ में अशोक जी बरमेचा नहीं तो जीने का क्या मजा अरे बाप रे धन्यवाद साहब मेरे तो इतने दो शब्द हमारे सहमंत्री है महावीर जी मुनोत कर्मठ सहमंत्री है और भवन को व्यवस्था समिति के व्यवस्थापक भी है उनसे भी मैं कहूंगा कि अपने विचार विनीत जी गिमावत के प्रति रखें और उनकी टीम को साधुवाद धन्यवाद दें सभी को सादर जय जिनेन प्रोग्राम बहुत शानदार रहा मैं जनरली देखता नहीं हूँ प्रोग्राम कोई भी ऑनलाइन क्योंकि मैं खुद एक सिंगर हूँ मैं खुद यहाँ पर दादावाड़ी के अंदर साल के 72 पूजाएं करवाता हूँ 4 घंटे की मेरी पूजा रहती है और लवेश भाई ज्यादा आते हैं यहाँ पे लेकिन वो भी एक बार पीछे हट गए क्योंकि 4 घंटे बैठ के भक्ति करना और पूरी पूजा पढ़ाना ये बहुत कठिन काम है वो भी नीचे बैठ के तो आपका जो प्रोग्राम कल मैंने देखा बहुत शानदार लगा मुझे तो मैंने पूरी भक्ति देखी आपकी और मेरी पूरी फैमिली साथ में थी वो भी कभी देखते नहीं है लेकिन वो लोग सब साथ में थे और बहुत एंजॉय किया हमने थोड़े नए भजन देखने को मिले मुझे कुछ उसमें सीखने को भी मिले तो मैं इसके लिए विनीत भाई को खूब खूब बधाई देता हूँ और उनका आभार करता हूँ कि थैंक यू मुझे कुछ मिला उसमें सीखने को धन्यवाद ये हमारे महावीर जी हैं बड़ी मुश्किल से सीखते हैं इनको सिखाना बहुत मुश्किल है विनीत जी आपने सिखा दिया मान लीजिए बड़ा काम हो गया हमारा तो ये कल हमारा परिवार भी पूरे लोग बैठे थे हम लोग 10 लोग बैठे थे हमारे बच्चे वीडियो नहीं बनाते हैं इसलिए मैंने और मेरी माँ का ही वीडियो भिजाया था
और योगेश जी को विशेष आज धन्यवाद देता हूँ कि मेरे कहने पे उन्होंने 2 मिनट के अंदर भी कार्यक्रम में प्रधान संयोजक के हमारे नाम लगा दिए। विनीत जी आपकी टीम बहुत शानदार है, आपके भाई बहुत शानदार है। जैन सेवा संघ की तरफ से आपके पापा अशोक जी गिमावत, जहाँ से आपकी चौथी पीढ़ी अब तैयार हो रही है, मैं उनको मेरी तरफ से और पूरे जैन सेवा संघ की तरफ से आपकी पूरी टीम योगेश जी के साथ, प्रदीप जी बल्लावत, भरत जी कोटारी और एक तीसरे परमार जी कोटारी जी परमार, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आपकी टीम इसी तरह से बढ़ती रहे, हम आपको एक बार लाइव बुलाएंगे हैदराबाद में। ऐसे में तेरापन समाज से हूँ, तेरापन समाज में 3 गायक बहुत प्रसिद्ध है, आपको मालूम है, लेकिन फिर भी मैं तेरापन मंच पे एक बार आपको बुलाना चाहूंगा इसी भावनाओं के साथ। सेवा सिंह हैदराबाद के अंतर्गत ये कार्य करने का बहुत आनंद आया, और अगर इसमें अगर कोई कड़ी जोड़ने का अगर किसी ने काम किया है तो वो हमारे अमित भाई मुनोत ने, कि जिनसे हमारा संपर्क हुआ और उन्होंने ये कड़ी जोड़ी जैन सेवा संघ से, और अब ये कड़ी जो जैन सेवा संघ से जुड़ी है, मुझे लगता है ये श्रृंखला बहुत बड़ी चलने वाली है। और सबसे बड़ी बात इसमें अध्यक्ष जी आपकी सरलता बहुत है, और जब आप इस तरह से, जब इंजन जो मुख्य व्यक्ति होता है वो उत्साह बढ़ाता है तो सबका उत्साह बढ़ता है, और वही शायद इस पूरी टीम में हम देख पा रहे हैं कि आप सबका उत्साह बहुत गजब बढ़ाते हैं। इसलिए अध्यक्ष जी, अशोक जी, आपका भी बहुत बहुत अभिवादन, और पूरी टीम का जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे इतना अच्छा प्रोत्साहन हमको दिया। पर एक निवेदन यही है कि बस एक मारवाड़ी में कहावत है, बस इतनी सी चीज से मत पौतराना, अब इसी लाइव बत्ती से मत पौतराना, जब ये वापस कोरोना महामारी जब इससे हम मुक्त हो जाए तो उसके बाद जब महावीर जन्म कल्याणक अगले साल या आने वाले समय में, तो जिस तरह से आपको करने की भावना थी उस तरह से हम वापस ये महावीर जन्म स्वयं आपके बीच में आएंगे। महेंद्र जी के 2 शब्द, अध्यक्ष जी, महेंद्र जी कहाँ है, नहीं है ना महेंद्र जी, है ना महेंद्र जी, नहीं है महेंद्र जी, नहीं सभी को जय जिनेंद्र। कल की जो सभी को जय जिनेंद्र, कल की जो भक्ति थी एक्चुअल अगर लाइव होती तो अपने प्रत्यक्ष होती तो हैदराबाद में होती, मगर जो ऑनलाइन होने से पूरे विश्व में जो पहला है अपना जैन सेवा संघ का नाम और जैनों का नाम, उसके लिए विनीत जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और जैन सेवा संघ की टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। जय जिनेंद्र। ये जैन सेवा संघ की जो अभी टीम है ना, मैं बोला ना वर्ल्ड की टॉप क्लास टीम है, अभी 2.5 महीने के कार्यकाल में चारों तरफ एकदम जैन सेवा संघ छाया हुआ है पूरे हैदराबाद में, और कल तक हैदराबाद में था और विनीत जी ने ऐसा किया कि पूरे विश्व में छा दिया। विनीत जी और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, योगेश जी को खास करके धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, थैंक्स अ लॉट, और बस सब व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें और बस विनीत जी, सबसे बढ़िया बात यह हुआ कि इस पूरे महावीर जन्म कल्याण केंद्र में हम लोगों ने पूरी महावीर जयंती निर्विघ्न और स्वस्थता के साथ संपूर्ण माने संपन्नता की है, इसका भगवान महावीर की बहुत बड़ी कृपा थी हमारे पे, क्योंकि यह कोरोना काल में हमारे सारे लोग सही है, एकदम स्वस्थ है। कहते हैं कि भाव अच्छे हो तो भव सुधर जाता है, और पवित्र भावनाओं के कलश से आपने जो सुकृत्य किया है, भगवान महावीर ने आपको आशीर्वाद दिया है। सर इसी कड़ी में हमारे अध्यक्ष जी ने भगवान महावीर जन्म कल्याण महोत्सव के उपलक्ष पर जो महावीर जयंती के कार्यक्रम साक्षात रूप से नहीं कर पाए, उस कल्याणक महोत्सव को और साकार बनाने के लिए हमारे अध्यक्ष जी और मंत्री जी ने सहर्ष ही जैन सेवा संघ के तत्वावधान में कोविड सेंटर चालू करवाया, और हमारे अध्यक्ष जी की एक बहुत बड़ी खासियत है, उन्होंने कहा कि जैन सेवा संघ सिर्फ जैन का लिए नहीं बाकी पूरे समाज पूरी सोसाइटी के लिए सहायता करेगा, और उन्होंने हमें आदेश दिया कोविड सेंटर सिर्फ जैन समाज के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए रहेगा, चाहे वो अजैन रहो जैन रहो, और ये हमारी अध्यक्ष की बहुत बड़ी बात है कि वो सबको साथ लेके चलते हैं। धन्यवाद। हमारे पास फ्री वैक्सीनेशन भी हो रहा है जैन सेवा संघ की तरफ से।
बोलिए विनीत जी, शुभ रात्रि करें या कुछ लास्ट में कुछ सुनाएंगे आप? विनीत जी अभी आप बोल रहे हैं कल्याण नेक्स्ट तो बहुत दूर है, इससे पहले समापना सम्मेलन है, अगर हुआ तो हमारे अध्यक्ष जी अगर मंजूरी देंगे और हम सब साथ मिलेंगे तो उसके पहले समापना सम्मेलन पे तपस्वी की कोई भक्ति करने का, और पहले ही प्लान था कि महावीर जन्म का भी होगा और तपस्वी को भी सम्मान के लिए आपकी भक्ति जरूर कराने का आगे कार्य जैसे सुचारू रूप से होगा, वैसे अध्यक्ष जी जैसा बोलेंगे वैसे कार्य होगा, मतलब अध्यक्ष जी और हमारे पूरे पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य। विनीत जी हमारी टीम के एक एक सदस्य अध्यक्ष हैं, अगर किसी ने भी कोई चीज बोल दिया कि ये कराएंगे तो अध्यक्ष जी की क्या औकात है मना करेंगे? अरे हम मना करते नहीं, सारे सारे सुपर अध्यक्ष हैं हमारे पास। तो तपस्वी भी कोई तीर्थंकर से बढ़ के नहीं होते, क्यों तपस्या करना भी हर किसी के बात में नहीं रहती। और विनीत जी ने उद्यान किया था, शायद 50 दिन का उद्यान किया था, कल उनकी भी बताए जो संयम पे संयम जीवन 50 दिन तक उन्होंने संयम जीवन पाला है और बहुत ही माला का भी उनका जो हुआ, मैं उनके लिए उसके लिए भी उनको बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ जिन्होंने बहुत ही सुंदर कार्य। जय मान। देखिए गिमाओ जी समापन में कुछ तो बता दीजिए। मेरी भी खुद की एक इच्छा है कि एक उद्यान मेरे तरफ से भी हो। देखिए आप सब ने अपने अपने इतने प्रोत्साहन भरे शब्द यहाँ पर दिए, और हमारे बॉम्बे से हमारे ललित भाई, हमारे प्रदीप भाई, हमारे भरत भाई जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी पदाधिकारी और फेसबुक पर भी जितने लोग जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और बस आपने जो प्रोत्साहन दिया उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। और अंत में यही कहूंगा, कल भी जब अध्यक्ष जी 3 घंटे जब भक्ति चली, नॉर्मली लाइव भक्ति करते हैं हम 1.5 से 2 घंटे क्योंकि लोग सामने नहीं होते हैं, हम आपके एक्सप्रेशन पढ़ नहीं सकते हैं तो उसमें हमको पता नहीं चलता है, पर कल 3 घंटे हम खुद भी गाते गाते हमको पता नहीं चला कि कैसे ये हमने इतना लंबा ये प्रसंग हो गया, और उसके बाद भी इच्छा नहीं हो रही थी कि हम इसको बधाई लें। तो बस एक लास्ट समापन के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ऐसे सुंदर स्थान से दूर इस भगवान से अरे जाने को जी ना करे, फिर भी जाना पड़े फिर भी जाना पड़े, जन्म कल्याण है सुखदाई पर ये विदाई है दुखदाई, प्रेम से मित्रों कहो आवजो। गुजरात में जब कोई व्यक्ति विदाई लेता है जाता है तो घर वाले कहते हैं कि भाई जल्दी आना, आवजो, इसलिए कहा प्रेम से मित्रों कहो आवजो, इस मिलन से अब जी ना भरे, फिर भी जाना पड़े। अध्यक्ष जी क्या बात है, विनीत जी क्या बात है, जबरदस्त। और पहले माध्यम से आओ जो इस भक्ति में रियल थैंक्स तो उन सभी का है कि जो भक्ति में गए, कि अगर वो इतना उत्साह नहीं बताते, आपने देखा होंगे कि वीडियोस भी जिस तरह से आए, सिर्फ ऐसा नहीं कि वीडियो बताने के लिए उन्होंने वीडियो भेजा, वो माहौल किस तरह से हर एक के घर में बना था कि खरेखर भगवान महावीर का जन्म कल्याणक खरेखर इस तरह से बहुत उत्साहपूर्वक। देखिए एक तो पहले से लॉकडाउन, क्योंकि ज्यादातर नेगेटिविटी चल रही है, न्यूज में देखो तो नेगेटिविटी, हर चीज में नेगेटिविटी, आज इतने मरे, आज इतने हुए, उसमें एक पॉजिटिव वाइब्स जो कल के जन्म कल्याणक में हमको मिले और लोगों ने जिस तरह से इस प्रसंग को झीला, उससे हमको आपको सबको ये एनर्जी बूस्टर का काम इन सब भक्तों ने दिया है। सही बात जी जी जी, नॉर्मली सब ये टाइम पे टीवी पे और कुछ सीरियल वगैरह देखते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो भक्ति में इतने सब बच्चे लोग का तो खास मैं देखता हूँ कि जो वीडियो भेजे रहे जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। योगेश जी हाँ बोलिए एक मिनट खाली लूंगा। हाँ मैं श्री जैन संघ हैदराबाद को पुनः एक बार
हृदय के अणु अणु से धन्यवाद देना चाहूंगा। आपके सुकृत्यों की जो मैंने यहाँ पर सूचना सुनी उससे मेरा हृदय बाग बाग हो गया। मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि भाव अच्छे हो तो भव सुधर जाता है, और पवित्र भावनाओं के कलश के साथ भगवान महावीर के जन्म कल्याणक पर आपने पंच दिवसीय सुकृत्य की सुगंध फैलाकर जनमानस में और जैन जगत में जो स्वर्णिम इतिहास रचाया है, खासकर विनीत जी गेमावत की भक्ति उस पवित्र पावन प्रसंग पर करवाकर आपने जो पुण्य की फसल उगाई है, उसके लिए हम समस्त संगीत प्रेमी आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और अध्यक्ष अशोक जी के लिए बस इतना ही कहूंगा आपकी टीम के लिए कि धून के पक्के कर्मठ मानव जिस पद पर बढ़ जाते हैं एक बार तो रूप को भी स्वर्ग बना दिखलाते हैं, तो इसी तरह से धून के धनी बनकर धर्म के रथ आरूढ़ होकर कर्मपथ के योद्धा बनते रहे और जिन शासन के कार्यों के सुकृत सुगंध फैलाते हुए जन्म जयंती शासनम की गुंज को गुंजायमान करें। धन्यवाद। और योगेश जी आपका भी विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने इतना सुंदर सुनियोजन ये फेसबुक और यूट्यूब लाइव प्रसारण किया, उसके लिए आपका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। विनीत जी विशेषकर आपको विशेष धन्यवाद कि आज इतने प्रेमियों के बीच में आपने मुझे जुड़कर जो सबसे रूबरू होने का जो अवसर प्रदत्त किया उसके लिए आपका विशेष रूप से धन्यवाद। थैंक यू ललित भाई, धन्यवाद। जाने की इच्छा नहीं हो रही लेकिन आओ जो में रहना पड़ेगा। जी एक बार सब मिलकर बोल दीजिए कृष्णानंदन वीर की जय। बोलो वीर की कृष्णानंदन वीर की जय। बोलो महावीर की। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सब जुड़े। जय 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 ज